दोस्तों आज की ये वीडियो आपके सभी पीडीएफ प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। चाहे आपको पीडीएफ फाइल क्रिएट करना हो, पीडीएफ फाइल को एडिट करना हो, मल्टीपल पीडीएफ फाइल को कंबाइन करना हो, या फिर पीडीएफ को वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह में कन्वर्ट करना हो, सिग्नेचर ऐड करना हो या वाटरमार्क ऐड करना हो, फॉर्म फिल करना हो या फिर आपको जो है पासवर्ड प्रोटेक्ट करना हो, उसी आर परफॉर्म करना हो, इन सभी का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स दी हुई है, चलिए जानते हैं कैसे। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है पीडीएफ एलिमेंट प्रो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, यहां से आपको पीडीएफ एलिमेंट प्रो डाउनलोड करना है। ये सॉफ्टवेयर विंडोज और मैक दोनों के लिए अवेलेबल है। नीचे आपको जो है पीडीएफ एलिमेंट से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसे इंस्टॉल कीजिए। ये है पीडीएफ एलिमेंट 6 प्रो। होम पेज के ऊपर ही आपको जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास एडिट पीडीएफ, पीडीएफ को एडिट करने के लिए। नेक्स्ट है क्रिएट पीडीएफ, अगर हमें पीडीएफ फाइल क्रिएट करना हो तो। कंबाइन पीडीएफ, मल्टीपल पीडीएफ फाइल को कंबाइन करने के लिए। एंड कन्वर्ट पीडीएफ, पीडीएफ को वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह में कन्वर्ट करने के लिए। और भी दूसरे ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है। चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं एडिट पीडीएफ में। यहां से मैं एक पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन। अब यहाँ पे हमारे पास जो है काफी सारे ऑप्शन हैं और काफी सिंपल सा इंटरफेस है, लेकिन काफी सारे ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे मिल जाते हैं। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है व्यू का। अगर आपके पीडीएफ में मल्टीपल पेजेस हैं तो उसे आप जो है यहां से देख सकते हैं, और जिसे भी आपको एडिट करना है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है जूम इन, जूम आउट वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अपने व्यूइंग एक्सपीरियंस के हिसाब से जूम इन, जूम आउट वगैरह कर सकते हैं। एंड फाइनली सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारे पास एडिटिंग का, वो है सिलेक्ट। हाईलाइट, अंडरलाइन, कॉल आउट्स वगैरह ऐड कर रहे हो तो इस ऑप्शन में जाकर के आप ऐड कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो सिंपल टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, हाईलाइट पर क्लिक कीजिए और ये टेक्स्ट हमारा हाईलाइट हो गया। आपके पास यहाँ पे हाईलाइट कलर्स और ओपेसिटी वगैरह से रिलेटेड भी ऑप्शन मिल जाते हैं, उन सभी को एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको अंडरलाइन करना हो आप जो है अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर कॉल आउट्स वगैरह ऐड करना हो आप जो है इजिली कॉल आउट्स ऐड कर सकते हैं, और भी काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमारे पास जो है वो है एडिट का। यहाँ पे आप किसी भी टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं, उसे रिप्लेस करना चाहते हैं, इमेज को एडिट, डिलीट या फिर रिप्लेस करना चाहते हैं, वो सारी चीजें कर सकते हैं। साथ ही आपके पास जो है ऐड करने का काफी सारा ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि टेक्स्ट ऐड करना हो, इमेज ऐड करना हो, लिंक्स ऐड करना हो या फिर वाटरमार्क, बैकग्राउंड्स वगैरह ऐड करना हो, तो वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट ऐड करना है तो ऐड टेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लीजिए, बस जहां पे भी आपको ऐड करना हो वहां पे क्लिक कीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। आपको साइड में जो है टेक्स्ट से रिलेटेड, टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो है काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि फॉन्ट साइज, अलाइनमेंट और कलर्स वगैरह। आप इजीली ड्रैग करके पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। वैसे ही इमेज को डिलीट करना हो, रिप्लेस करना हो, दूसरा इमेज ऐड करना हो, रीसाइज करना हो, वो सारी चीजें आप जो है इजीली यहां पे कर सकते हैं। लिंक डालनी हो तो सिंपल जो है लिंक सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद जो है एरिया सिलेक्ट कीजिए, जिसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है लिंक टाइप चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल वेब ब्राउजर में यहाँ पे अपने वेबसाइट का एड्रेस डाल देता हूं, और अब यहां पे अगर हमारे लोगों के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो वो मेरी वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा। तो इजीली आप जो है यहां पे लिंक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। वैसे ही वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं आप, टेक्स्ट हो या फिर इमेज हो, और भी दूसरे ऑप्शंस कस्टमाइजेशन के यहां पे आपको मिल जाते हैं। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन है OCR का। आप किसी भी इमेज के टेक्स्ट को एडिटेबल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज है मेरे पास और इसमें जो टेक्स्ट है उसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है। सिंपल मैं ड्रैग करके इसे इंपोर्ट कर देता हूं और उसके बाद जो है OCR, और यहां पे आपको जो है लैंग्वेज वगैरह चूज करना है किस लैंग्वेज में ये डॉक्यूमेंट्स है। एंड परफॉर्म OCR, फिनिश। अब यहां पे जो भी टेक्स्ट है हम उससे एडिट कर सकते हैं, तो इजीली आप किसी भी इमेज से जो है टेक्स्ट वगैरह को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिल जाता है फॉर्म का। यहां पे हम किसी भी नॉन एडिटेबल फॉर्म को जो है एडिटेबल बना सकते हैं। हम यहां पे टेक्स्ट फील्ड ऐड करना हो या फिर ड्रॉप डाउन ऐड करने हो, रेडियो बटन या फिर चेकबॉक्स ऐड करने हो, सभी चीज ऐड कर सकते हैं। सिंपल
सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद जो है क्लिक कीजिए, रीसाइज कीजिए और उस फील्ड का नाम क्या है वो आप डालिए। बस अब इसके बाद जो है आप एडिट में जा करके उसे इजीली एडिट कर सकते हैं, वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप फिल कर सकते हैं। वैसे ही आपको और भी दूसरे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि पासवर्ड प्रोटेक्ट वगैरह करना हो तो वो चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, आप जो है खुद से काफी सारी चीजों को यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मैं आपको बता दूं कि ये सॉफ्टवेयर कंप्लीटली फ्री नहीं है, लेकिन अगर आपके लिए ये सॉफ्टवेयर यूजफुल है, आपका इस तरह का वर्क है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। जय हिंद।